हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने QR कोड को जो है जनरेट करना है। तो QR कोड बेसिकली एक बार कोड की तरह ही है, जिसके अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है पार्टिकुलर आइटम की जो है सेव्ड होती है। तो बेसिकली क्विक रिस्पॉन्स कोड जो हमारे पास अवेलेबल है, ये एक जापान की टेक्नोलॉजी है जो आजकल जो है इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होती है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा था कि कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को जो है, किसी भी वैल्यू को जो है एक बार कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि उसे बार कोड स्कैनर जो है रीड आउट कर सके। तो चलिए उसी तरीके से क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसको हम QR कोड भी कहते हैं, वो भी एक बार कोड की तरह ही है, जिसको हम किसी भी QR कोड के साथ जो है, QR स्कैनर के साथ जो है स्कैन करके पता कर सकते हैं कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेव्ड है वो क्या है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक रनिंग लाइव एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो है इस तरीके की जो एग्जांपल बड़े ही सिंपल और इजी वे के साथ जो है डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आपको हेडिंग से पता चल ही गया है कि ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है किस टॉपिक के रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने एक यूट्यूब चैनल का URL लिखा है कि यहाँ पे एंटर करें। तो चलिए, मैं अपने ही चैनल का जो URL है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है youtube.com, उसके बाद में हरिति स्टडी हब। तो चलिए, जैसे ही मैं जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एक QR कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। तो इस QR कोड को मैं किसी भी QR स्कैनर के साथ जो है वो मैं रीड आउट कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या सेव्ड है। तो बेसिकली जब भी मैं QR स्कैनर के साथ इसको स्कैन करूँगा, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होगी वो ये वाला जो है URL होगा, URL का लिंक होगा। तो चलिए, मेरे मोबाइल के अंदर ही एक QR स्कैनर पहले से ही अवेलेबल है, मैं उससे इस QR कोड को स्कैन करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो QR स्कैनर से रिट्रीव होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग। तो मैं अपने मोबाइल से जो है इस QR कोड को जो है स्कैन करूँगा, और बाद में मेरा जो QR स्कैनर है मोबाइल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या सेव्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मोबाइल से जो है अपना QR कोड जो है रीड आउट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो है सेम URL जो है मेरे मोबाइल के ऊपर भी जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से जो है किसी भी QR स्कैनर से हम जो है इस QR कोड को जो है रीड आउट कर सकते हैं। तो हमने जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन इसमें गेन करनी है वो यही है कि किस तरीके से हमने जो है एक किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट वैल्यू को जो है QR कोड में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उसको QR स्कैनर के साथ जो है रीड आउट कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल, न्यू, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है एक वेबसाइट। तो इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपका विजुअल सी शार्प जो है वो सिलेक्टेड होगा, इसको सिलेक्टेड रहने देना है। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। अब आपने यहाँ पे जो है अपने जो फोल्डर का पाथ है वो प्रोवाइड करना है, ताकि आपकी सारी जो आज की सोर्स कोड है, आपका सारा जो प्रोजेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में जो है सेव हो पाए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ QR कोड जनरेट इन ASP.NET 1। तो चलिए, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, माउस की हेल्प के साथ ऐड करते हैं, ऐड न्यू आइटम। अब यहाँ से हमारा जो विजुअल सी शार्प है वो पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमने एक वेब फॉर्म, ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेब फॉर्म का जो नेम है वो आ चुका है डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो इसका जो नेम है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है क्रिएट हो चुका है। तो चलिए डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। डिज़ाइन के अंदर हम सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो है हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला जो कंट्रोल हम यहाँ पर वेब फॉर्म के ऊपर यूज़ करेंगे वो होगा टूल बॉक्स में से लेबल। तो जैसे ही लेबल के ऊपर डबल क्लिक किया आप देख सकते हैं लेबल मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो चलिए इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस करते हैं। तो चलिए इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख देते हैं हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो बढ़िया बढ़िया उसके जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और साथ में जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, कंसेप्ट की नॉलेज है, वो आपकी लाइव एग्जांपल के थ्रू और भी इंक्रीज होगी और भी इम्प्रूव होगी। और आपको हम सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट के साथ, ताकि आपको प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, एग्जांपल को डेवलप करने में कोई दिक्कत ना आए। इन केस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बाय ईमेल या कमेंट के थ्रू, हम कोशिश करेंगे उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचा पाएँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप जो है ईजिली जो है प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं इस चैनल से। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे एक और लेबल और इंसर्ट करते हैं, डबल क्लिक करके इस लेबल के अंदर आप आज के प्रोजेक्ट का जो हेडिंग है वो लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरेट QR कोड फॉर QR स्कैनर यूजिंग ASP.NET C#। चलिए यहाँ पे इसका जो फॉर कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे जो है अपनी जो यहाँ पे एक फॉर्म है वो डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करेंगे। तो टेबल यहाँ से इंसर्ट करते हैं, इसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो होंगी 2, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो भी होंगे 2। तो चलिए ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं टेबल मेरा जो है वो वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर YouTube चैनल URL। तो चलिए यहाँ पे जो है हम एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे जो है टूल बॉक्स में से एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे डबल क्लिक करके। तो चलिए मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे जो है एक बटन को इंसर्ट करेंगे, तो चलिए बटन के ऊपर डबल क्लिक करके ऐड कर देते हैं इसको वेब फॉर्म के ऊपर। अब हम इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिखेंगे जनरेट QR कोड। तो चलिए यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। अब मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं। अब हम इस टेबल को सिलेक्ट रहने देंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर, उसके अंदर वन लिख के एंटर कर दें, जिससे इसकी जो लाइंस है वो थिक हो जाएंगी और देखने में ये टेबल जो है वो अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे एक और टेबल को लेबल को इंसर्ट करते हैं डबल क्लिक करके, और इस लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ योर जनरेटेड QR कोड इज गिवन बिलो। तो चलिए यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड फॉर कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन कर देते हैं, और इसकी जो विजिबल प्रॉपर्टी है इसको फॉल्स कर देते हैं अभी के लिए। अब हम QR कोड को जनरेट करके उसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक टूल यूज़ करेंगे, उसका नेम है प्लेस होल्डर। तो चलिए मैं डबल क्लिक करके प्लेस होल्डर भी अपना जो है वेब फॉर्म के ऊपर प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर मेरा जो है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब हमने जो है कोडिंग की तरफ जाना है, मगर कोडिंग से पहले हम एक लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये QR कोडर के रिलेटेड जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे।
तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको ऐड कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंसेस के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, ऐड करना है, और यहाँ से आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो है रेफरेंसेस। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब आपने यहाँ से इसको ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद जहाँ पे भी आपकी जो QR कोडर की फ़ाइल है, लाइब्रेरी DLL फाइल है, उसको सिलेक्ट करना है, इसको ऐड करना है। अब आपने यहाँ पे देखिए चेक मार्क जो है मेरा आ चुका है। अब आपने डायरेक्टली इसको ओके कर देना है। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे QR कोडर के रिलेटेड जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो QR कोड को जनरेट करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, QR कोडर की जो DLL की फाइल है, तो इसको आपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देना है। मैं आपको वीडियो का लिंक जो है, सॉरी, इस QR कोडर का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे वहाँ से। तो चलिए अब जो कोडिंग करनी है वो कोडिंग कैसे करनी है, तो कोडिंग भी हमने पहले से कर रखी है, कोडिंग काफ़ी ईजी है। तो कोडिंग कैसे करनी है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट QR कोड के ऊपर। तो सबसे पहले तीन सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेम स्पेसिस हैं वो आपने यहाँ से कॉपी करनी है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देते हैं सबसे ऊपर। अब आपने जो कोडिंग है वो, इस कोडिंग को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कोडिंग काफ़ी इजी है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर देते हैं जनरेट बटन क्लिक इवेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो भी टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर होगा उसको हमने कोड के अंदर लेके गए हैं। उसके बाद में हमने क्लासेस को यूज़ किया है, QR कोड जनरेटर की क्लासेस। उसके बाद में यहाँ पे एक इमेज जो है ड्राइंग के थ्रू जो है क्रिएट की है, उसकी जो हाइट और विड्थ 150x150 होगी। और बाद में हम जो है QR जो कोड है उसके थ्रू ग्राफिक्स को जो है जनरेट करेंगे, उस पर्टिकुलर QR कोड को जनरेट करेंगे, उसको हमने एक इमेज कोड के अंदर प्लेस करना है। और बाद में इस इमेज कोड को, जो भी आपका इमेज का ऑब्जेक्ट होगा, इसको प्लेस होल्डर के अंदर जो है हम प्लेस कर देंगे, और लेबल 3 की जो विजिबल प्रॉपर्टी है उसको ट्रू कर देंगे। तो इस तरीके की हमारी कोडिंग है। कोडिंग काफ़ी ईजी है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। एक दो बार आप कोडिंग को जो है रीड आउट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आपका जो है QR कोड जनरेट होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारी कोडिंग जो है वो हो चुकी है, प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन है वो भी रेडी है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे सेम URL लिंक लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ youtube.com और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो चलिए जैसे ही मैं जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक QR कोड आ चुका है। अब मैं इस QR कोड को जो है अपने मोबाइल के जो QR स्कैनर के साथ स्कैन करूंगा और देखूंगा कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने ये वाला URL सेव किया है ये कैसे रिट्रीव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग, मैं अपने मोबाइल के QR स्कैनर से जो है इसको रीड आउट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं अपना QR स्कैनर इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो पूरा URL है वो रिट्रीव हो चुका है मोबाइल के ऊपर। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको बाइंड अप कर सकते हैं QR कोड के साथ, ताकि आपको वो वाली इंफॉर्मेशन जो है टाइप ना करनी पड़े आप डायरेक्टली जो है उसको QR स्कैनर के थ्रू जो है रीड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप इस QR कोड को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इनवॉइस को जनरेट करने के टाइम, कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, किसी एडमिट कार्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर आप QR कोड को यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसको QR स्कैनर के साथ जो है आप रीड आउट कर सकें। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको आज की एग्जाम्पल समझ में लग चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू शेयर कर दें। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस मेरे मेंबर का जिसने हमें ये वाली जो रिक्वेस्ट है कमेंट करके कि हम बार कोड के अलावा जो है QR कोड को भी जनरेट करना बताएं। तो उसी की जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफ़िल करने के लिए और बाकी सभी मेंबर्स के लिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज हमने सबसे सिंपल मेथड जो है आपको बताया है कि कैसे आप जो है
क्यूआर कोड को जो है जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने सभी जो आइडियाज़ आपके दिमाग में घूमते रहते हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आइडियाज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।